Bismillahirrahmanirrahim. AFAQ Neo Iqbal Series Student Resource Pack. Keep Learning at Home. Urdu Grade 5. Academic Planner Unit Number 2. Major Concepts in Book Chapter. Darkhast Navisi, Hat Navisi, aur Takhliqi Likhai. Worksheet Number 1. Darkhast Navisi. प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें और उनसे किसी तफरीही मकाम की सैर के लिए इजाज़त तलब करें। बखिदमत प्रिंसिपल साहब, अपने स्कूल का नाम। उनवान, दरख्वास्त बमराद हुसूल इजाज़त सैर। जनाब आली, गुजारिश खिदमत है कि जमात पंजम के तमाम तलबा चिड़ियाघर की सैर को जाना चाहते हैं। जनाब से बजरिया दरख्वास्त इस्तदा है कि कल हमारी जमात के तलबा को चिड़ियाघर की सैर की इजाज़त अनायत फरमाई जाए। जनाब की ऐन नवाजिश होगी। अलर्ज तलबा जमात पंजम। वर्कशीट नंबर 2 खत नवीसी। अपने दोस्त के नाम खत लिखें और उसे आने वाले इम्तहानात की तैयारी के बारे में आगाह करें। नमूने का खत। इस्लामाबाद, अप्रैल 20, 2020। प्यारे दोस्त, खुश रहो। कुछ दिन पहले आपका ख़त मिला। मुझे खुशी हुई कि आपके इम्तहानात जल्द होने वाले हैं। मैं तुम्हें अपने तजर्बात की रोशनी में चंद हदायात दे रहा हूँ। उन पर अमल करके इंशाल्लाह तुम इम्तहान में नमाया कामयाबी हासिल करोगे। सबसे पहले आज ही अपना टाइम टेबल बना लो। उसमें अपने तमाम मज़ामीन के लिए एक वक्त मुकरर करो और कोई भी मज़मून आपकी तवज्जो से महरूम न रहे। अपना मुकर्रर वक्त पर अमल दरामद के लिए तुम्हें सुबह सवेरे उठना होगा। फजर की नमाज के बाद और स्कूल जाने की तैयारी तक कुछ न कुछ याद कर लो। कोई भी उनवान याद करो, उसे लिख लो। निसाब की किताबों में जो भी मुश्किलात पेश आएँ, अपने असातिज़ा से तआमुन हासिल करो। शाम के वक्त खेल कूद में भी ऐसा लो, लेकिन अहम कामों के अलावा दीगर कामों में वक्त ज़ाया न करो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की कोशिश करो। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो रहूँगा। वस्सलाम, आपका दोस्त। वर्कशीट नंबर 3। अपने किसी यादगार दिन का हवाल 10 सत्रों में लिखें। मसलन, ईद का कोई दिन, किसी खेले गए फाइनल मैच का दिन, कहीं की सैर का दिन, अपनी सालगिरह का दिन, किसी अजीज़ की शादी में शिरकत का दिन, या स्कूल में किसी प्रोग्राम में शिरकत का दिन वगैरह। वर्कशीट नंबर 4। तख्लीकी लिखाई। दिए गए इशारात की मदद से पेशा बूझे और उसके बारे में एक मरबूत पैराग्राफ लिखें। पेशा, जी हाँ, बागबानी। मैं एक माली हूँ। मैं बाग में पौधों को पानी और खाद देता हूँ, उनकी गोडी करता हूँ, उनकी मुनासिब देखभाल करता हूँ, और जब इन पौधों पर फल और फूल लगते हैं तो मुझे बेहद मुसर्रत होती है। वर्कशीट नंबर 5। तख्लीकी लिखाई। इफाए अहद क्यों ज़रूरी है? अपने दलायल 10 सत्रों में लिखें। इफाए अहद मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा जा सकता है। सारी दुनिया और माशरे की तामीर और तकमील में जहाँ और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, वहाँ इफाए अहद यानी कौल और करार का पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे माशरे में एक तवाज़ुन पैदा होता है और माहौल खुशगवार बनता है। कोई भी मुल्क हो, कंपनी हो या कबीला हो, जब वो अहद यानी एग्रीमेंट करें तो बहर सूरत पूरा करना चाहिए। कुरान मजीद में भी इसके पूरा करने का हुक्म दिया गया है। सूरह बकरा आयत नंबर 177 फरमाया, नेक वो लोग हैं कि जब वो अहद करें तो अपने अहद को पूरा करें। और फिर फरमाया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 37, वाउफू बिलाहदे इन्ना लाहदा काना मसूला, अपने वादे को पूरा करो, इसके बारे में सवाल होगा।
اور انبیاء اکرام کی صفت بھی وعدہ پورا کرنے والی رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا, جتنے بھی رسول آئے سب سچے وعدہ کرنا والے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایفائے عہد کرنے والے ہوں. ورک شیٹ نمبر 6, تخلیقی لکھائی. اپنی زندگی کی کسی بھی سب سے بڑی خواہش کو ایک مربوط پیراگراف میں لکھیں. کوئی بھی زندگی کی خواہش, اس پر ایک پیراگراف لکھیے.